नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फल में। आज की सबसे बड़ी खबर है न्यूक्लियर जंग की तैयारी, लेबनान से यूरोप। ये देखिए, ये मैं आपको एज खाली एक एक सिंबॉलिक दिखा रहा हूं। ये देखिए, न्यूक्लियर जो सबमरीन है वो अमेरिका के पास रशिया की पहुंच गई है। दुनिया की जो हालत है वो बहुत खराब है, वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन शुरुआत करने जा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबरें से, 4 बजे की जो 4 बड़ी खबरें हैं। सीधा ये राहुल फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। 4 बजे की जो 4 बड़ी खबरें हैं सीधे देखिए। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। अमेरिका के पास रूस की न्यूक्लियर सबमरीन, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, पहली बड़ी खबर, रूसी धमकी के बाद वॉर मोड में जर्मनी। तीसरी बड़ी खबर, अमेरिका का 3 दिन में 2 मिनट मैन 3 यानी अपने सबसे ताकतवर न्यूक्लियर वेपन कैरियर का टेस्ट किया है उन्होंने। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर चौथी बड़ी खबर, इसराइल से ले जंग के लिए तैयार लेबनान और हिजबुल्ला, इस वक्त की बड़ी खबर। ये 4 खबरें एक बार फिर से राहुल बताइए इस वक्त की बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग का म्यूजिक है, ये देखिए जरा। पहला, अमेरिका के पास रूस की न्यूक्लियर सबमरीन, रूसी धमकी के बाद वॉर मोड में जर्मनी। फिर अमेरिका का 3 दिन में 2 मिनट मैन 3 जो उनका सबसे बड़ा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसका टेस्ट किया है। और इसराइल से जंग के लिए तैयार है लेबनान। ये चारों तस्वीरें दिखाइए जरा राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं हमारे जितने भी दर्शक हैं। पहली बड़ी खबर सीधे दिखाइए, ये देखिए पहली बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। अमेरिका के पास रशिया की न्यूक्लियर सबमरीन, क्या कर रही है क्यूबा क्राइसिस पार्ट 2 शुरू होने वाली है। दूसरा, जर्मनी ने धमकी दे दी है, वॉर मोड में आ चुका है, पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। तीसरा, मिनट मैन 3 जो अमेरिका का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर कैरियर वेपन है उसका दूसरा टेस्ट किया एक हफ्ते के अंदर। और चौथी, हिजबुल्ला ने जंग का ऐलान कर दिया, इस वक्त की बड़ी खबर। पहली ब्रेकिंग सीधे मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। टॉप 8 से शुरुआत कर रहे, गाजा पर इसराइल का विनाशक हमला, ब्रेक करिए वीडियो के साथ, दिखाइए जरा गाजा में इसराइल का विनाशक हमला, यह इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा के डेरल बला में भीषण बमबारी हुई है, बड़ी खबर। सेंट्रल गाजा में आवासीय बिल्डिंग पर बमबारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा, ये देखिए जरा, इसको फिर से प्ले ऑन करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सेंट्रल गाजा में, ये देखिए शॉट देखिए जरा, किस तरीके से बिल्डिंग के पर गच्छे उड़ा दिए। देर अल बला में इसराइल की बमबारी, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, सीधा आइए राहुल जरा, सीधा आइए तेजी से, दूसरी बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सेंट्रल गाजा में आईडीएफ की भीषण बमबारी की एक और बड़ी खबर, दिखाइए वीडियो जरा, देखिए जरा, आईडीएफ हमले में 55 फिलिस्तीनियों की मौत। ये देखिए शॉट, शॉट देखिए जरा, आईडीएफ का यूएन संचालित शिविर पर हमला हुआ है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, फिर से वीडियो को प्ले ऑन करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये बहुत खतरनाक विजुअल्स आ रहे हैं सेंट्रल गाजा से। यूएन की तरफ से यूएन रन जो कैंप था उसको उड़ा दिया गया, ये जानकारी है। राहुल दोनों वीडियोस दिखाइए एक साथ, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टॉप न्यूज ऑफ दिस आवर। ये देखिए जरा, डेर अल बला में इसराइल की बमबारी, सेंट्रल गाजा में यूएन शिविर पर हमला किया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों विजुअल्स सबसे खतरनाक, लेफ्ट वाला वीडियो फ्रीज हो गया है, ये देखिए जरा, दोनों एक ही वीडियोस हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों वीडियोस दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, फिर से इनको प्ले ऑन करिए, ये देखिए जरा, लेफ्ट वाले को फिर से प्ले करिए, ये देखिए शॉट्स, किस तरीके से खतरनाक अटैक हुआ है।